क्या होता है, हम ना यूजुअली नीचे के चक्र पे रहने के आदि हैं। क्यों है इसकी बात करेंगे हम, इसलिए हमें ना बहुत ज्यादा ज्ञान की बात बोर करती है। हमारे कोई फालतू में कोई रास्ता निकल आया ना कि भगवान ने हमें तो निकाल ले इस बंधन से, हमारी कोर्ट कचहरी से, हमारी बीमारी से, हमारे कष्ट से, हमारे जुगाड़, तो हमें यकीन नहीं होता भगवान दे सकता है। हमें यकीन नहीं होगा कैसे हमारी बीमारी गायब होगी। तो हम यूजुअली ओवर डिस्कशन, ओवर बातों में रहते हैं। याद रखिए, मौन और मुस्कुराहट हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। जब तक आप इस चीज में लगे कि मैं कैसा दिखता हूं या कैसी दिखती हूं, तो आप दुनिया के स्यापे में जीरो, चमकों में हो, नीचे हो आप। चमको नीचे होता है, ये चमको इफेक्ट है, ऐसा मुन्ना का एरिया है। मन को मुन्ना कहते हैं हम, ये मुन्ना का एरिया, इसी में फंसे रहोगे और इसे नीचे जाओगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है खुद को, तो दुनिया को खा के अच्छे लगोगे, इसलिए आप खुद को प्यार नहीं करते। खुद से प्यार है नहीं, दूसरे आपको प्यार करे कोई प्यार नहीं करेगा आपको। आप हृदय चक्र पे है तभी आपको दुनिया प्यार करेगी, नहीं तो कोई नहीं करेगा, भूल जाओ। कृष्णा कॉन्शियसनेस हृदय की है, इसलिए कृष्ण से मर रूप के भी प्यार करता है इंसान, उससे जुड़ा ही हुआ है। आप कहां हो? आप सड़े बैठे हो, अपने भाई से सड़े बैठे हो, मकान से दुखी हो, जॉब से सड़े बैठे हो, इसलिए हमारा व्यर्थ डिस्कशन चलता है। ज्ञान लेने के लिए बहुत बड़ा मौन चाहिए, बहुत जबरदस्त फॉलोइंग चाहिए, नहीं तो जिंदगी रोपिट के कटती है, बीमारियों में कटती है। काम बीमार, पढ़ाई बीमार, शरीर बीमार, रिश्ते बीमार, प्रेम बीमार, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति देने वाला जो मुन्ना मन शरीर, अब 12% मूलाधार है, जो मुख्य मूल है, जड़ है, सीड है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता भाई मेरा क्या होगा। हमें ये मान के चलना है कि मुन्ना नाम का कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई ऊर्जा एनर्जी है, जो एलियन है, जो बाहर से आया हमारे शरीर को यूज कर रहा है। आप अभी बैठे, आप खुद देखेंगे, आपको बैठे बैठे विचार आ रहे हैं। कौन सोच रहा है? वो एक है अंदर और जो सोच रहा है, और हम यही सोचते हैं गलती में, यार मैं क्या सोच रहा हूं, मैं नहीं सोच रहा, मुन्ना सोच रहा है। अब मैं उल्टा देखना जान गया हूं कि मुन्ना भी सोच रहा है, मैं अलग हूं, मुन्ना अलग है। मुन्ना मुझे घसीट के नीचे लेकर आता है, क्योंकि नीचे उसका घर है। यहां चार चक्के वाला जो इलाका है वो मुन्ना का है, ये मूलाधार है, और यहां सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा इंजन एग्जॉशन पे जाता है, सबसे ज्यादा तेल पीता है ये। इसीलिए जो व्यक्ति मूलाधार में फंसा है, जिसे कहते हैं मोह, दुनिया में फंसा, उसकी हड्डियां खराब होनी ही है, और वो सड़ सड़ के मरता है, क्योंकि मृत्यु का देवता मुन्ना ही कंट्रोल करता है। हम मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, इसीलिए हड्डियां खराब, शरीर खराब, शरीर फैल फूल जाता है, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। इसलिए सर्वप्रथम मुन्ना का काम क्या है, नीचे फेंकना। अचानक क्या करता है ये, आप ऊपर चले गए, आप ऊपर बढ़ चुके हैं, दोबारा से पीछे पीछे जाते हैं, आप ऊपर बढ़ गए, आप समझ गए यार छोड़ो, किन चक्रों में लगे हैं, कोई फायदा नहीं। आप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अचानक से आपके मन में विचार आएगा, कैंसर हो जाता है। आप पता क्या करोगे, जो प्रथम माइंड, नहीं नहीं ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, आपने इसके लिए 3 बार और सोच लिया, आपने 3 बार और सोच लिया, फिर आप कहते हो क्या गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, 12 हो गए, 25 हो गए, मुन्ना ने पावर पकड़ ली। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में आपके माइंड में कैंसर आता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में आपके अंदर बीमारी आएगी, 15-20 मिनट के बाद आपके दिमाग में आएगा एक आदमी कैंसर से मर गया, और उसके थोड़ी देर के बाद आपको ऑटोमेटिकली प्रकृति करती है, जो आप सोच रहे वही मिलने लगता है ना, ऑटोमेटिकली एक सिगरेट की डब्बी मिल जाएगी, दिखी हुई लिखी हुई, जिस पर लिखा होगा कैंसर हो जाएगा सिगरेट पी के, फिर आपको अचानक से कोई सी के न्यूज आ जाएगी, भाई साहब वो कैंसर से मर गया। मुन्ना इतनी कॉपीज बनाएगा, आपको नीचे घसीट के रखेगा कि भाई मुझे भी तो जीना है, मैंने ईर्ष्या करनी है, क्रोध करना है, काम वासना करनी है, हमने खाना है पीना है, अय्याशी करनी है, मुझे लेन देन नहीं, अहंकार करना है। कौन कर रहा है आपके अंदर अहंकार, कौन लड़ रहा है? पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं? बीवी कहती है मुझे पता है नहीं लड़ना चाहिए, कौन लड़ रहा है फिर भी लड़ती है? पति कहते हैं मुझे पता है गाली नहीं बकनी चाहिए, मेरी साथी है, मेरा प्रेमी है, फिर भी उसे गाली बकता है। कौन कर रहा है? मुन्ना कर रहा है, और वो आपको बैठे बिठाए थॉट दे रहा है, अभी बैठे बिठाए मेरे पास आप बैठे हैं, आपके मन में अचानक विचार आएगा इसको मुक्का मार दूं, यूं ही तो अचानक विचार आएगा, फिर ना मन गया नहीं 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 ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं सोचना। लोग हैं ऐसे जो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, फिर सोचते हैं ये दिया बुझा दूं, हनुमान जी पे काली इंक लगा दूं, फिर सोचते हैं क्या सोच रहा हूं, मैंने नहीं सोचा है। मुन्ना आपके अंदर लगातार कार्यशील है, और वो लगातार ऐसा कर रहा है। बच्चों का मन करता है पापा मुझे डांटेंगे, मुंह पे थूक देता हूं, थूकते नहीं, थूकते नहीं, मुन्ना कर रहा है ये, और अभी उसने ताकत ली है, और हो सकता है 2 साल बाद वो थूक दे, क्योंकि वो ताकत पकड़ रहा है, बीज डाला है, वृक्ष बनाएगा। आपके मन में जितने भी टेढ़े मेढ़े विचार आते हैं, कभी मत लड़ो उनसे, बोलो मुन्ना है, मुन्ना एक बच्चा,
बच्चे जैसे थॉट्स है ना, जैसे बच्चे भी तो चलते रहते हैं, सेम मुन्ना भी तो वही है, हाँ हमारी बॉडी इंक्रीज हो गई, हम भी सेपरेशन में हो गए वो, मगर बच्चे के में ही ट्रैप है इस तरह। मुन्ना अमर है, अमर मीन्स बच्चे में ही अमर है, इतनी वो थॉट मारता है जैसे बच्चे मारते हैं अलग अलग, वो भी खून मुन्ना करना चाहता है, ये मुन्ना भी खून बच्चा है करना नहीं है ये नहीं डिबेट है। चमाए, अच्छा मुन्ना एक बींग है जो अपनी मनमर्जी करना चाहता हाँ है, वही है। चाहे वो बड़े होके करे चाहे छोटा होके करे, वो मनमर्जी करना चाहता है। उसको अगर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं मुन्ना को, देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, मुन्ना का जो समय है 3 घंटे 3.5 घंटे का, वो कैसे निकाल के देते हैं, मुन्ना उसको मैं ऑब्जर्व ही करने ये जा रहा हूँ। अलग टॉपिक है, मुन्ना के 3 घंटे कैसे निकाले अगर ऑब्जर्व ही करते रहेंगे, उधकते रहो ना, गाना गाओ, मस्ती करो, बकवास करो, होने दो जो हो रहा है, खुद मत करने में लगो। याद रखो आप नीचे के चक्कर पर बैठे हो तो रोटी रापे में जिंदगी काट लोगे। आपको विकास करना है मन का, दिमाग का विकास। मुन्ना का विकास कब होगा? मुन्ना का विकास तब होगा जब रोने पिटने खत्म हो जाएंगे, आपके पास वेला टाइम होगा। कोई व्यक्ति है जिसने सिर्फ रोटी की तलाश में और इन्वेंशन की हो? नहीं, आपके पास वेला टाइम होना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत टाइम है आपके पास, जब वेला टाइम होगा ना, मुन्ना खाली नहीं बैठ सकता। आपको वेले टाइम में कहेगा फिर आविष्कार ही कर ले, मेरे 3 घंटे तो मिल गए मुझे, तो आविष्कार कर ले। जो लोग जितने भी हमारे बुद्ध हुए कृष्ण हुए, वो नीचे के स्यापे से उठे हुए थे, ना उनको रोटी का स्यापा था, ना स्त्रियों के भोग का स्यापा था, ना उनको कोई दास दासियों का आकर्षण था, ना सोने चांदी का। चलिए हो गया, भोग लिया, इसलिए खूब भोगो, खूब ऐश करो, खूब पार्टी करो, इतनी करो और रोको नहीं, एक दूसरे को रोकना पाप, फिर वो और ज्यादा कराता है। खूब करो, उसके बाद यार ना खत्म ठीक हो जाएगा। अब इस बात से सब लोग क्या कहेंगे, सारे हस्बैंड वाइफ को देख के क्या कहेंगे, देख ले फिर, अब देख ले, आज के बाद दारू सुट्टे पे बोलियो मत मुझे कुछ। अब वाइफ को अकल होनी चाहिए कि इसको पागल को अकल कैसे आएगी, ये तो पीपी के भंड हो जाएगा, ये तो सुट्टा मार मार के घर के अंदर धुएं की मशीन चला देगा, ये तो हमें स्मोक से ही मार देगा, तो क्या करे वो? तो सोचे भाड़ में जाए, पहले तो नीचे नहीं जाऊंगी मैं, सड़ूंगी नहीं, कुड़ूंगी नहीं, लड़ूंगी नहीं, नीचे नहीं जाऊंगी, भाई भाड़ में जाए ठीक है, मैंने अपने प्रेम से रहना है। अच्छा प्रेम करना है, इसे नहीं करना, मैं खुद को प्यार करूंगा, मरने दे। वो व्यक्ति कॉस्मिक एनर्जी पे छोड़ते ही बीवी, जैसे ही मांगे राम ने टिंकू पे छोड़ा, इसकी फीस भगवान देगा, भगवान ने दे दी, ऐसे ही उसको ईश्वर सुधारेगा। और वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद उसको अपने आप 2 दिन में ऐसी तकलीफ आनी शुरू होगी, खुद गया छोड़ेगा। छुड़ाने की जिद करोगे मुन्ना की तो कलेश कर करके कराएगा, चोरी से कराएगा। बीवी को कैसे सुधारे, बहुत भयंकर प्रश्न है वैसे, है तो खांसी भी आ गई तो सुधरे के खा, आपकी तो जान से निकल गई, पीछे बिठा रखा है पीछे से, नहीं, घर जाके नहीं, रास्ते में ही लग गया, घर जाके तो पोड़े के निशान पे तेल लगवाएंगे, अभी पुराने अभी सूख गए तो नए बनेंगे, नए बनेंगे। तो इस तरह से पतियों को कैसे सुधारे, पतियों को कैसे सुधारे, प्रश्नोत्तर। पति तो ऑलरेडी लड़ पड़े। देखो जी, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि आपके पास क्या है वही आप दूसरे को दे सकते हो। आपके पास 100 रुपया है, अब आप 10 रुपया दूसरे को दे सकते हो। आपके पास शांति है तो ही दूसरे को शांति देंगे, आप खुद अशांत हो और कहते हो तब समझ जाता तेरे को, अब आप खुद तो भय भय कर रहे हो, उसको खाक समझ आएगा। आप इतने शांत होने चाहिए कि आपके पास सानिध्य में आने मात्र से उस व्यक्ति को शांति अनुभव होने लगे। आप खुद डरे हुए हैं, आप खुद इतने भड़के हुए हैं, जज साहब के सामने जाना, डर डर के जाना, नीचे बैठ के जा रहे हो, पिटोगे आप कैसे जाओगे, आप आराम से जाओगे, सहज सरल, ठीक है, परमात्मा से जुड़े हुए, ऊपर के चक्कर में भगवान करेगा, जज की क्या औकात है, दूसरे की क्या औकात, तीसरे की, जो होना प्रारब्ध है भोगेंगे, पंख नहीं आए, खाना नहीं मिला, पंछी ने कहा ठीक है उसकी इच्छा, जिएंगे साला, क्या रखा है इसके अंदर। मुन्ना सबसे पहले मूलाधार पे हिट मारता है, और इसका इसका ग्रह है शनि, और शनि की 30 साल, शनि की 67, शनि की ढैया, ये मशहूर है। इसलिए पति को क्या सुधारना है, पत्नी को क्या सुधारना है, ये तब होगा जब आप इस लायक हैं। तब ये प्रश्न करिए कि मैं अपने पति को या पत्नी को कितना सुधारूं, कितना सिखाऊं। आप देखेंगे आप स्वयं नीचे के तल पे, आप खुद नीचे के तल पे हैं, आपको साथ रहने से वो व्यक्ति सुधरा ही नहीं। पति अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, साला मैं इतना समझदार हूं, 20 साल से तुम मेरे साथ है, तेरे को अकल नहीं आई। बीवी की होती है, अबे लल्लू तेरे खुद में तो अकल है नहीं, होनी होती तो बह जाती ना मुझ में,
तुझे होती तो आई जाती मुझे भी, तुझमें कहा है, तुझे क्या खास गुरु मानू, इसलिए एक बाहर का गुरु मानना पड़ता है। बड़ी गजब की कथा है इसके लिए शनि की सारस्वती है। राजा विक्रमादित्य जिनके साथ सिंहासन 32 बेताल 25 इत्यादि की कहानियां जुड़ी हुई हैं, परम वीर योद्धा, कट शॉट लेके चल रहा हूं पहले की बात छोड़ के। राजा विक्रमादित्य एक बार अपनी सभा में बैठकर कह रहे थे शनि बहुत खराब है, जो बाप का सगा नहीं वो किसका सगा हो सकता है, मैं इसके बारे में उचित और उत्तम बात नहीं कर सकता, ये पापी ग्रह है, दोष से भरा हुआ है, कष्ट देता है और किसी तरह से भरोसे लायक नहीं है, मैं तो कहता हूं ये शापित है, इसके बारे में बुरा बोलो और इसके पूजा ही नहीं करनी, इसको प्रसन्न करने का प्रयास भी नहीं करना। संजोग की बात, कहानियां हैं, किस्से हैं, कथाएं हैं, माया भी हैं, अलग डायमेंशन की है, सच है कि झूठ है अलग कहानी, लेकिन है ये हमारे पास। ऊपर से वायु के रास्ते से शनि महाराज अपने रथ में जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया कि मेरी इतनी भर्त्सना कर रहा है व्यक्ति, और वो भी राजा विक्रमादित्य, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। उसने रथ नीचे उतार लिया और आ गया दरबार में। दरबार में आया तो सारे दरबारी भय से कांपे, बोले शनि देव जो कुपित हो जाए अपनी वक्र दृष्टि से देख मारे तो मनुष्य का जीवन विकलांग कर देता है, मृत्यु तक पहुंचा देता है, मरने तक नहीं देता, ऐसा साढ़ साढ़ जिंदगी चलाता है, 20-20 साल जिन लोगों की जिंदगी नहीं बदली वो मुन्ना के चंगुल में फंसे जो शनि है, शनि से समझ आएगा ये, क्योंकि सातवां चक्र शनि है। रोना पिटना खत्म नहीं हो रहा, पेपर पास नहीं होते, पढ़ाई सफल नहीं होती, धन नहीं आता, मकान नहीं बनते, चीजें नहीं होती, तो सारा दरबार उसके चरणों में झुक गया और बोले ओहो भयभीत, कुपित ना हो जाए, कुपित ना हो जाए। तो विक्रमादित्य ने कहा कि मैं क्या गलत बोला है, तुम अपने बाप के सगे नहीं हो, तुम लोगों को पीड़ित करते हो, कष्ट देते हो, अहंकार तुम्हारे अंदर, कष्ट देने के अलावा तुम्हें आता क्या है। शनि कुपित हो गया, आप याद रखें पितर भी कुपित हो जाते हैं, हम कहते हैं पितर को प्रसन्न करो, धन से नहीं करोगे कुपित भी होते हैं। अरे भगवान तू दया का सागर है, दया का सागर नहीं थप्पड़ भी मारता है, इसलिए भगवान की पूजा भी कैसे करनी ये भी बड़ा ध्यान देने की बात है, यूं ही नहीं फालतू में भीख मांगते रहो, उससे थप्पड़ मार देता है। अब शनि ने कहा कि भाई तुझे तेरे जैसे व्यक्ति का कहना बड़ा दुखद है, आम आदमी कहता तो बात थी, तू इतना परम विद्वान ज्ञानी और इतना कुछ जीवन में देख चुका, तेरे जैसा निष्ठावान और सज्जन राजा धरती पर नहीं हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट है तू उज्जैन का, तुझे इसकी सजा मिलेगी, ताकि तू जाने कि शनि देता भी है, अगर लेता है तो देता भी है, लेकिन अब चूंकि अब तेरी कुंडली में मैं सारस्वती की ओर अग्रसर हूं और चंद्रमा से 12वां हो जाऊंगा, तो अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विक्रमादित्य ने कहा कि भाई लगता है मुझसे कोई भारी गलती हुई है, समय चक्र बड़ा बलवान है, आ तो रहा है, कहीं ऐसा ना करे, वाकई में इसकी कितनी कहानियां किस्से हैं, जो बाप का सगा नहीं मुझे क्या छोड़ेगा। उसका मन बड़ा शंकाओं से घिर गया और उसने कहा समय चक्र के हवाले अब मैं क्या करूं, पर ज्ञानी तो था, परम ज्ञानी था, समय का चक्र बदला। जैसे ही शनि ने कन्या राशि में प्रवेश किया तो उसकी सारस्वती का कार्यक्रम शुरू हो गया। कहानी के तौर है बात सत्य है यूं मान के चल, लेकिन कहानी में जोड़ तोड़ होता है। समय का चक्र बदला, शनि, ऐसे कहा जाता है कथा में कि शनि ने रूप बदला और एक व्यापारी का रूप बदल लिया। एक्चुअली ये हुआ कि वो एक किसी व्यापारी की बुद्धि में उसने परिवर्तन लाया और एक ऐसा व्यापारी बन के वो आया शनि, जिसके पास अद्भुत घोड़े थे। अब जब वो घोड़े लेकर के उसके नगर में आया तो प्रख्याति फैल गई कि इतने महंगे घोड़े और इतने कमाल के घोड़े, भाई ये तो राजा के लायक है। विक्रमादित्य तक कहानी पहुंची कि यार ऐसे घोड़े आए हैं जो मतलब सोच नहीं सकते तुम, राजा महाराजा शायद देवता को दुर्लभ हो। तो राजा उसके पास गया, मंत्री को भेजा उसने पहले, प्रधानमंत्री को, जाके देख क्या हो। तो उसने कहा भाई ये घोड़े ऐसे ऐसे हैं, ये 1000 स्वर्ण मुद्राओं का है, ये 1000 चांदी की मुद्राओं का है, ये इतने किले जमीन का है। उसने कहा भाई महाराज मैं तो कपकपाता वापिस आ गया हूँ, ये तो अजीब सी बात है, अजीब से घोड़े और अजीब से पैसे हैं, महाराज आप ही को आना पड़ेगा। राजा ने कहा यार साला मेरा प्रधानमंत्री घबरा गया और मैं हैरान हूं, ये कैसे घोड़े लाया यार, देखो तो सही। वहां पहुंचा तो उसने देखा यार क्या कद, क्या काठी, क्या घोड़े, मतलब अद्वितीय, देख के लग रहा है कमाल है। उसने कहा भाई व्यापारी हम हैरान है, ऐसे अद्भुत घोड़े। बोले महाराज खुद तैयार किए हमने। बोले सबसे उत्तम घोड़ा कौन सा है? बोले महाराज रकम मैं तब बताऊंगा जब आप उस पर सवार हो जाएंगे। तो अखलक नाम का एक घोड़ा था, उसके ऊपर बिठाया उसने उसको, राजा को पसंद आया। अब बोले बोलो क्या मोल है, हम तो बैठ के ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में उड़ेंगे, स्वर्ग सवारी होगी, कौन जानता है। तो उसने कहा भाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी।
राजा ने कहा दौड़ के आता हूं मैं, एक बार सवारी हो जाए। राजा भागा सरपट, ओ हो, वो घोड़ा था फूल जैसी चाल और गति इतनी तेज के हवा से बातें करता हुआ जाए। मंत्री वगैरह ने देखा, अरे हमें समय नहीं दिया, ना सेना गई ना सेनापति, महाराज ये क्या कर रहे हो, वो तो चले गया। बोले देखो भाई, महाराज को आ गया पसंद, मुझे दो पैसे। मंत्री ने कहा यार बात तो हो गई। बोले देखते हैं, थोड़ी देर रुके। बोले एक घंटा रुक जाओ। और एक घंटा क्या रुकना, विक्रमादित्य के साथ तो माया रच रही है खेल। उड़ता उड़ाता घोड़ा उसको किस वेग से कहां पहुंचा रहा, उसे पता ही नहीं, सुधबुद्धि नहीं हो रहा, ऐसे ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूं, उड़ता उड़ाता जा रहा हूं, कुछ पता ही नहीं मुझे। दो घंटे बीत गए, तीन घंटे बीत गए। उसने कहा भैया पैसे दो तुम मुझे। मंत्री ने कहा भाई वादे अनुसार देने पड़ेंगे। उसको धन दिया, विदा किया, शनि चला गया। समय का चक्र देखो, राजा दौड़े जा रहा है, चले जा रहा है, उसको पता ही नहीं कहां समय भाग रहा है, क्या हो रहा है। और देखा तो उड़ता उड़ता उसको लग रहा है आसमान में उड़ रहा हूं, अचानक से एक धप से गिरा आकर के और एक जंगल में। जैसे अंधकार हुआ, अंधकार का देवता है शनि। मुन्ना भी अंधकार में ज्यादा चलता है। मुन्ना के टाइम जब आप समाधि के लिए बैठते हैं ऐसे, तो 1,00,000 विचार आते हैं फटाफट 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 फटाफट, और जब आंखें खुली होती है तो थोड़े थोड़े आते हैं, तब 99,000 आते हैं सिर्फ, लेकिन आते बहुत हैं। रात का समय हो जाए, मुन्ना जिसका होना है सोने नहीं देगा, तो कहेगा ये चाहिए मुझे, मुझे ये दिला, कैसे आएगा, कैसे करेंगे, और शक्ति खींचता, रात भर चूसता है और शरीर की बैंड बजाता है। तो राजा ने देखा मुझे घने जंगल में पटक दिया और वो घोड़ा गया। बोले यार मैं कहां गया, भूख प्यास लेकिन ज्ञानी था, मन में विचार आया शनि, शनि आया है, क्या बुद्धि फेरी है मेरी भी, और क्या किसकी कौन आया किस रूप धर के, समय चक्र बड़ा बलवान है यार, मुझे संयम रखना पड़ेगा। चलता गया, भूख प्यास लगने लगी, थका हारा एक छोर पे पहुंचा जंगल के, तो वहां देखा है गडियारा भेड़े चला रहा है। तो उसने पूछा भैया ये कहां हूं मैं, क्या है ये। बोले अरे कहां, तुम भिखारी से लग रहे हो, तुम्हारे कपड़े लगते फट गए हैं, और तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो, यहां तो कोई आता नहीं है, तुम आए कहां से पहले तो ये बताओ, तुम तो आने का रास्ता यहां से तो जाते हैं लोग, तो यहां से वापिस आ रहा, अंदर से कहां से आ रहा है। बोले मत पूछो यार, तुम मुझे जगह बताओ। बोले तू राजा चंद्रसेन के राज्य में है तमलिंद, और यहां से बस थोड़े कोस दूर जाएगा तो राजनगरी में पहुंच जाएगा। उसने कहा यार रास्ता बता दे भाई, पहुंचू मैं क्या करूं। और वो समझ गया कि समय चक्र है, इस समय कोई राजा विक्रमादित्य नहीं, इस समय सिर्फ साधारण जन मनुष्य हूं, और मैंने अगर बता दिया साला पता ही नहीं मेरे पे कब्जा करके राज्य का मेरा क्या हाल करेंगे, क्योंकि मैं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आदमी हूं, अनप्रोटेक्टेड, ना सेना ना कवच, थकट पड़ा हूं। चला गया, चलते चलते पहुंचते पहुंचते वहां सुबह हो गई। जब सुबह वहां पहुंचा तो एक दुकान के आगे लेट गया, क्योंकि सब बंद था। जब तक कहां खुलती तो देखा उस दुकान का शटर खुल चुका है और व्यापार चल रहा है। तो किसी दुकानदार की दुकान के आगे वो लेट गया था। अब वो लेटा रहा, सुबह सुबह खोला, व्यापारी ने बोला कोई जरूरतमंद है, चेहरे की आभा देखते ही बनती है, कपड़े जरूर फटे हुए हैं लेकिन कमाल है यार, क्या चेहरा दैदीप्यमान है इसका, लेटे रहने दो, पता नहीं क्या विचार आया। अब उस दिन दोपहर हो गई, राजा उठा तो उसको उसने खाना भी डाल दिया थोड़ा सा। बोले खा ले भाई। बोले तुम्हारी बड़ी कृपा। बोले कृपा क्या यार, पता नहीं किस पैर का आया है तू, साला इतना बिजनेस तो मेरा 2 दिन में नहीं होता जो आधे दिन में हो गया, बेटर है। ये चमत्कार होता है, बड़ी ऊंची ओरा के व्यक्ति से जब आप मिलते हैं आपके जीवन में प्रकाश आ जाता है। अब शाम का समय हुआ, उसने कहा साले 15 दिन की कमाई हो गई, हो यार तो मेरी कमाल हो गई यार, तू कैसा आदमी है, तुझे तो भाई घर लेके जाऊंगा मैं, तेरे अंदर से आभा छटक रही है और मुझे बड़ा चमत्कृत हो रहा हूं मैं तेरे को देख के। अब वो घर गया तो देखा उसका खान पान, बैठना, पोशाक उतारना, चेंज करना, नहाना, उसको क्या सारा तरीका आता था। उसने कहा ये कमाल है यार, ये तो व्यक्ति दिमाग से बड़ा बुद्धिमान है, मेरी बेटी के लिए रखता उसको। भोजन खिलाया, देखा क्या कमाल से उसने खाया, क्या उसको तरीका था। और राजा चुप रहा, बोला कि ठीक है अब समय है चक्र मेरा, देखता हूं अब आज की रात तो काटू। रात का समय हुआ और उसको बोला उसने बेटी को अपनी, अलौकिक नाम की बेटी थी, अलौकिक मीन्स अद्भुत। बोले बेटी बहुत कमाल का व्यक्ति लग रहा है, कमाल की आभा है इसके शरीर से निकल रही है, मैं चाहता हूं तो विवाह कर ले। बोले पिताजी वो तो ठीक है लेकिन मैं परीक्षा लूंगी इसकी, कि क्या ये संयम रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं स्त्री के लिए पागल हो रखा हो, मैं सुंदर बहुत हूं एक तो, मुझे नॉलेज बहुत है, ऐसी स्थिति ना हो कि बेवकूफ पल्ले पड़ जाए सिर्फ शरीर के लिए। बोले बेटा टेस्ट ले लो। बोले जो मेरा पेंटिंग का रूम है जहां मैं कलाकृतियां रखती हूँ और चित्रकारी करती हूँ, वहां भेज दो इसको रात को सोने के लिए। विक्रमादित्य को भेज दिया। उसने कहा यार क्या
चक्र चल रहा है, समय चक्र बड़ा विचित्र है, पता नहीं क्या होगा। अब वो वहां जाकर के पलंग पे चादर तान के आंख बंद करके ऊपर तक लेट गया, और उसने कहा मुझे जागे रहना पड़ेगा क्योंकि अब रात का समय है और शनि महाराज कुछ भी जादू चला सकते हैं। अब वो थोड़ी देर में लड़की आई वहां अलौकिक, और आकर के उसने पायल की झनकार छन छन करी कि देखूं। अब वो छन छन करी तो राजा ने तो मुंह तक चादर ढांक रखी थी, उसको आवाज सुनाई दी लेकिन चुपचाप पड़ा रहा। कमाल है यार, इतना संयम तो है इसमें, मेरी पायल की छनकार इसने कमाल कर दिए, तो बाकी है लोग तो मरते हैं मेरे लिए। उसने पानी लिया थोड़ा सा, केवड़ा जल डाला हुआ, उसके ऊपर छींटे डाले, कोई हरकत नहीं। हरकत क्या हो, वो जागा हुआ। आप हैरान होंगे सोच करके, सोए हुए मनुष्य को जगाना बहुत आसान है, वो रुक नहीं सकता, उसे जागना ही पड़ेगा, लेकिन जो जागा ही हुआ है उसको पथभ्रष्ट करना असंभव है। इस पे ध्यान दें, जो मनुष्य अंदर से जाग गया मतलब मुझे पता है मैं किस चक्र पर हूं, उससे आप जीत नहीं सकते। राजा चुपचाप लेटा रहा, उसने कहा कमाल हो गया। दो घंटे तक चुपचाप उसने इंतजार किया, और फिर उसके पश्चात उसके बगल में आके लेट गई कि ठीक है, देखती हूं मेरी आभा कितनी सह सकता है और कितना मुझसे प्रेम विनय और प्रेम वेदना तड़प सकता है मेरे लिए। अब उस कमरे के अंदर बड़े सारे चित्र थे, बड़े अद्भुत चित्र थे, सुंदर सुंदर। और थोड़ी देर का समय यह हुआ कि उसने अपने गहने उतार के रखे लड़की ने, और उसको भी नींद आ गई। राजा ने चादर हटाई मुंह से, देखा कि यार ये तो साथ आके लेट गई है, और इसका मैं करूं क्या, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं स्त्रियों से तृप्त हो चुका हूं, मुझे क्या करना स्त्री में, कौन व्यक्ति त्यागी बना जो भोग चुका, इसलिए भोगो। बुद्ध को महल इसलिए नहीं छोड़ा बुद्ध ने कि मुझे बहुत बड़ी लॉटरी लगेगी जंगल में, उसको उस समय पता नहीं था, उसको स्यापा हो गया था कितनी स्त्रियां, कितना धन, कितना वैभव, कितनी ऐश, कितनी पार्टी करूं, सब हो गया यार, इसमें मजा खत्म हो गया मेरा, दारू पीना, खाना पीना, अय्याशी, सब उसका भोग नहीं रहा, क्योंकि भोग लिया। इसीलिए तो आप जीत सके, जो आप भोग चुके हो उसी को तो जीत सकते हो। तो उसने देखा कि अचानक माया रचता है जीवन, ये विशेष शनि की ताकत है, मुन्ना की शक्ति है कि वो आपके जीवन में संदेह डालता है, आप मिथ्या को, झूठ को सच, गलत फहमी में आ जाते हैं। मिथ्यावादी का मतलब होता है जो व्यक्ति झूठ को मानता है सच और सच सुनने को राजी नहीं, उसे आप यकीन नहीं दिला सकते, अरे मेरा चक्कर नहीं है, अरे मेरा चक्कर नहीं है, वो कहती है खत्म, ये सत्य बात है। बॉस कहता है तूने चोरी की है, खत्म, वो कहता है यार कब की, मुझे नहीं पता, मुझे भी बता दो, लेकिन नहीं मानता। तो राजा ने देखा कि उसका गले का हार गिरा पड़ा है नीचे, पलंग से नीचे गिर गया, और एक कलाकृति दीवार में टंगी है, उसमें से एक हंस उड़ता हुआ आया निकल के। उसने कहा क्या माया है, लेकिन चूंकि ग्रह दशा ऐसी है, कुछ भी हो सकता है, मन के जाल बड़े विचित्र। और उसने आकर के उसका नेकलेस, उसके गले का कंठहार मुंह में डाला और निकल गया, और वापिस उड़ करके पेंटिंग में चला गया। राजा ने कहा क्या करूं मैं, इसे छीनू निकालू, क्योंकि राजा भी माया जानता था, आपने विक्रमादित्य की कहानियां सुनी होंगी, बेताल पच्चीसी, वो जानता था, लेकिन बोला लेकिन मेरा उसूल है, मेरे पास कोई आया और लेके जा रहा है, मैं उसे रोकता नहीं, मेरे उसूल के प्रति खराब होगा, लेकिन अगर ये लड़की सुबह उठी और इसके कंठ का हार नहीं मिला तो इल्जाम मुझ पे। उसने कहा नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा, कोई लेने आया है चाहे किसी भी कारण से ले जाए, मैं भोग लूंगा जो भोगना है। अब सुबह तक वो चादर ताने लेटा रहा, नींद आ गई, सो गया। सुबह वो लड़की उठी और उसने कहा ये तो नपुंसक है, जो मेरे साथ होने, साथ सोने तक से मेरे लिए प्रणय वेदना नहीं करा, ये नपुंसक है, उसे क्या पता वो ऋषि है, उसको इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बहुत ऊपर के चक्र पे। और पिता के पास चली गई, बोले पिताजी कैसा नपुंसक व्यक्ति आपने दिया है, और उसके बाद तो छोड़ो चोर भी है, मेरे गले का हार गायब है। उसने कहा यार कमाल है, मैं अपनी बेटी के विवाह की सोच रहा हूं, ये सारा चोर निकला। उसने चार बंदे नौकर बुलाया, बोले पकड़ो इसको साले को, पीटो। बोले बता तूने हार का रखा, वो पीटा, खूब पीटा, उसे फर्क नहीं। बोले यार मत पीटो, मैंने नहीं चुराया है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूं। बोले तू बता फिर किसने चुराया। बोला अगर मैं कहानी बताऊं, इसने चुराया उसने चुराया, कहेंगे साले तेरे अंदर कौन सी माया है जो तू जानता है कि एक पेंटिंग में से निकल के, कलाकृति से, एक तस्वीर से निकल के एक हंस आया और निकल गया, कैसी बकवास बात है, कौन मानेगा। बोले भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, यकीन दिला नहीं सकता, मेरे पास नहीं है, तुमने मुझे कपड़े भी उतार के दे दिया, मेरी जेबें में नहीं है, मेरे पास नहीं है सामान, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहां छुपाऊंगा। उन्होंने फैसला किया ऐसे नहीं होगा, इसको राजा चंद्रसेन के पास लेके जाते हैं,
समय चक्र देखिए जीवन कैसा मनुष्य का बदलता है। पले रुष्टा पले तुष्टा कहते हैं शिव को, एक पल में खुश एक पल में सजा देने वाले। ऐसे ही जीवन क्षणभंगुर है, हमने क्लास की है क्षणभंगुर, माइलस्टोन क्लासेस में से एक है, जरूर देखनी चाहिए। तो वो राजा चंद्रसेन के पास ले गए और चूंकि वो दुकानदार मशहूर था, उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। राजा चंद्रसेन पता नहीं किस मूड में थे, वही शनि का प्रकोप, समय का चक्र, बुद्धि भ्रष्ट, मुन्ना खराब, बोले मारो साले को कोड़े मार मार के ऐसी कर दो, इसने चोरी करी हमारे राज्य में आके, इतनी हिम्मत, हम भी विक्रमादित्य की तरह सच्चे राजा बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं निष्ठा रहे सत्य रहे, हमारे यहाँ चोरी हो गई कलंक है, इसको खूब कोड़े मारे। वो रोता रहा कहता नहीं किया मैंने चोरी, मुझे क्षमा कर दो, अगर ऐसा है क्षमा से भी मन भरता है मैं माफी चाहता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बोले बहुत ही सख्त जान है बताओ, ये बता के राजी नहीं, ऐसे गुंडे भी नहीं देखे हमने, ऐसे चोर भी नहीं देखे। राजा को बहुत क्रोध आया, बोले मैं हार सा गया हूं, इसके सामने निकलवा नहीं पा रहा, कहां गया हार, बोले इसके हाथ पांव काट दो। राजा ने आदेश दे दिया और उसके हाथ और पांव काट दिए गए और बोले जंगल में फेंक दो उसको, गांव इसके नगर के साथ के गांव वाले पास के जंगल में फेंक दो, पड़ा रहेगा सड़ सड़ के मरना चाहिए, और खबरदार किसी ने इसको पानी नहीं पूछा, फेंका है। बड़े हैरान थे सब लोग के राजा ने इतनी भयानक सजा तो कभी किसी को नहीं दिया, अरे कैसी बात है, हद हो गई ये तो। पर समय चक्र, विक्रमादित्य के हाथ लहूलुहान, पैरों से खून, न चलने लायक न उठने लायक पड़ा रहा। चार दिन बीत गए, चार दिन बाद राजा को अचानक ख्याल हुआ, पता करो कोई दे तो नहीं रहा राज्य में इसको कुछ भी। तो सेनापति ने कहा महाराज पूरा राज्य परेशान है, आपके राज्य में तो किसी को भूखा ना रखा जाए, ये मुनादी आपने पिला रखी है, और एक ऐसे आदमी को, बोले चोर है बता नहीं रहा, बहुत सख्त जान है, मेरे हिसाब से मर जाना चाहिए, कोई बात नहीं मैं अपने रूल में परिवर्तन करता हूं, लेकिन पक्का कर लो इसको कोई कुछ देगा नहीं। हफ्ता और बीत गया, वहां जाके लोगों ने देखा तो कंकाल बना पड़ा लेकिन मर नहीं रहा। बोले कमाल हो गया, मौत आए कहां से, मुन्ना मारे कहां से, मुन्ना मारता नहीं, मुन्ना सड़ाता है, आपका बार बार मन करेगा मर जाऊं मर जाऊं, मरोगे नहीं, आप तड़पोगे भीख मांगोगे रो रो के, मरने नहीं देगा मुन्ना का स्वभाव है, आप मौत मांगोगे मौत नहीं देगा, सुख मांगोगे सुख नहीं देगा, ज्ञान मांगोगे ज्ञान नहीं देगा। यह हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है यदि कॉमन सेंस यूज करो। क्या देख रहा, समय चक्र, विक्रमादित्य देख रहा है, वो लगातार देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस समय से गुजर रहा हूं, मेरे शरीर के हाथ पांव काटे जा रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, इतनी जबरदस्त व्यूइंग। प्रोटॉन चेंज कर देता है अपना डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन चेंज कर देता है अपना डायरेक्शन, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है देर की बजाय सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। इसीलिए गुरु के अंतर्गत आप जब साक्षी भाव सीख जाते हैं आपका जीवन बदल जाता है। और विक्रमादित्य ठहरा खुद गुरु। एक महीने के बाद सेवक आया उसके पास, बोले महाराज वो मर नहीं रहा है, बहुत बुरा हाल है, लाश सा बन गया है, झूठन मुठन खा लेता है, पंछियों का गिरा बीट खा लेता है, पानी मिल जाता है बरसात हो गई, मर नहीं रहा। बोले कमाल हो गया, चमत्कारिक बात है, मर जाएगा कोई बात नहीं, चिंता ना करो। संजोग की बात देखें, उज्जैन में ब्याही हुई तमलिंद की एक बहू, नगर सेठ था एक वहां का तेल का व्यापारी, उसकी बहू उज्जैन से ब्याह कर आई थी। वो उज्जैन से वापस अपनी पालकी में सेवकों के साथ आ रही थी और वो उस जंगल के पास से होती हुई नगर में प्रवेश कर रही थी। अब जब वो उतरी तो जंगल के पास उसने जो पालकी का घूंघट रखते थे उस समय में लड़कियों के लिए, लेकिन वहां उसने वो पालकी का घूंघट हटा दिया और वहां से चलते हुए देखा तो सामने बिल्कुल मरी हुई दशा के अंदर कोई पड़ा देखा उसने, लेकिन उज्जैन की थी, पहचान गई, बोले ये तो विक्रमादित्य है और मैं वहां से आई हूं, वहां से विक्रमादित्य गायब है, पूरा नगर हाहाकार शोक में डूबा, ये कमाल है, ये यहां बैठा है, ये क्या हो गया इसको, ना हाथ है ना पांव कटे हुए, ये कैसी चमत्कार की बात। उतरी पालकी से, गई उसके पास, पैरों में झुकी और बोले महाराज आप, बोले चुप रहो बताना मत, बोले बिल्कुल नहीं बोलना, मैं अपना समय चक्र भोग रहा हूं। बोले महाराज आप चलो मेरे साथ। बोले नहीं बेटी जा नहीं सकता मैं, तुम्हें मार देगा, चंद्रसेन बहुत क्रोध में है और मैं तो खास तौर से मर नहीं रहा, उसके राज्य पे कलंक हुआ है कि एक चोर आ गया। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको जाना ही है, मैं भुगतूंगी। वो उठा के ले आई और जब घर आई तो ससुर ने बोला बेटा ये क्या कर लाई, ये तो मशहूर है, पहला तो अपराधी मिला इतने सालों में और राजा ने हाथ पांव कटवाए हैं। बोले ऐसा है जी, बोले मैं बता रही हूँ, ये हमारे उज्जैन का बहुत बड़ा सेठ रहा है, समय चक्र है, इसका व्यापार घाटे में चला गया
और धक्के खाता हुआ यहाँ आया, अब चाहे चोरी की चाहे नहीं की, अब इसको भोजन तो दो। तो बोले आप जाओ, आप यहाँ के व्यापारी हो और बहुत राजा इज्जत करता है, आपका भी धन लगता है, आपकी बात मान जाएगा। उसने कहा बेटी तू कहती हो तो जाता हूँ। गया राजा के पास, गया चंद्रसेन को, उसने बोला कि ऐसा है महाराज, वो बेचारा मर रहा है और हम इतना धन देते हैं गरीबों के लिए, इसको रोटी खिलाने का जिम्मा मुझे दे दो। चंद्रसेन के दिमाग में आया कि चल ठीक है, तेरा तो गलत नहीं है कहना, तेरे पास कोष भी बहुत है, तेल का व्यापार भी तेरे थ्रू चलता है, जा उठा ले पाल। अब चल ले गया जी, बड़ी खुशी खुशी गया, चौड़ में हो गया, अब सारे में प्रसिद्ध हो गया कि इसके यहाँ राजा ने अलाउ किया उस चोर को, और एक ही चोर था पूरे नगर में मशहूर। अब समय का चक्र देखो जी, बदलता गया, बीतता गया, राजा का धक्के धुक्के खान के भटकने शटकने का समय बीता, उसके यहाँ काम करने का समय बीता, और 5 साल बीत गए। अब 5 साल में उसने क्या क्या करना आदेश, चूंकि नॉलेज बहुत थी, ज्ञान बहुत था, उसने पूरे तेल के व्यापार का उसका कार्यक्रम बताना बनाना शुरू कर दिया, या ऐसे बेचो, ये इस तरह से करो, वो वैसे करो, ये करो। और वो करता क्या था, बैल चलते थे तेल निकालने के लिए, गोल गोल घूमता था रहे, अब गोल गोल घूमते घूमते वो डंडा होता है वो उसके ऊपर बैठा रहता था, और गोल गोल भी घूम रहा है और लोगों को बताए चले जा रहा है, मुनीम तुम ऐसे करो, धन का तुम इस तरह से व्यापार करो, या ऐसे लगाओ। उसका व्यापार साला 10 गुना उठ गया। उसने कहा साला तो कमाल की बुद्धि है इसकी, लूला लंगड़ा जाएगा, रोटी खिला दूंगा, खाना पिला दिया, सब कर दिया। समय बीतते बीतते हालात ये हुआ कि 6 महीने और बीत गए। अब राजा को ऐसा लगने लगा, चलो मेरा जीवन चक्र है, समय बदला है, अब मैं इसी में ठीक हूं। जहां ये विचार आया एक दिन बैठा बैठा, क्योंकि ज्ञानी बहुत था, ज्ञान एक बहुत बड़ी चीज है, जानकारी से बड़ा है, विद्वता को भूल जाओ, विजडम को पकड़ो, नॉलेज को भूल जाओ। उसके मन में लहर आई और उसने राग दीपक छेड़ दिया। अब शाम का समय जब राग दीपक छेड़ा, तो कॉस्मिक तरंग के साथ जब उसकी बात, उसके मुंह से निकले शब्द जुड़े, तो हैरानी की बात, पूरे नगर में बुझे हुए दीपक जलने लग गए। कहां से अग्नि आ गए? डायनामो नाम का एक बंदा है, इस समय भी है जीवित, हो उसके एक वीडियो भी आई है ऋषिकेश में, उसने सैकड़ों दिए सिर्फ हाथ के इशारे से जला दिए। तो ये सब कॉस्मिक एनर्जी को पकड़ लेने वाली बात है। ऐसे राग दीपक मशहूर था, तानसेन के समय की बातें हैं, बैजू बावरा वगैरह बनी है। और सारे नगर में तो राजा की बेटी पद्मसेना राजकुमारी अपने महल में बैठी हुई थी, उसने देखा यार पूरे नगर में दिए जल रहे, जलते चले जा रहे, जलते चले जा रहे। और थोड़ी देर में जैसे ही उसने अपना गाना बंद किया, राग बंद किया, दिए बुझ गए। उसने कहा ये चमत्कार कहां से हो रहा है? उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता करना है, ये तो चमत्कार है। और उसने कहा पता करो भाई कहां है। महल से भेजा तो बोले जी वो लूला लंगड़ा जो चोर है, जो तेल व्यापारी के यहां पड़ा है, वो गा रहा था। उसने कहा कमाल हो गया, उसको लेकर आओ। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो महाराज, राजकुमारी हमें मार देगा राजा, चंद्रसेन ने स्पेशली कह रखा और वो तो पैसे वाला है, इसलिए उसके यहां अलाउ कर दिया है। बोले लेकर आओ, छोड़ो दफा करो बातें, लाए भाई, राजकुमारी का आदेश है। अब मजे की बात, राजकुमारी के महल में तो वो आ गया और किसी में दम नहीं राजा को बता दे, नहीं तो राजा उसके हाथ कटवा दे। गुप्त रूप से रहते रहते 1 साल हो गया और उसने वहां उसको बोल दिया सीधा कि ऐसा भाई तुमसे मुझे सीखना, और तुम रोज गीत संगीत करोगे और मुझे राग सिखाओगे। अब ज्ञान तो ज्ञान है, और देखिए जो आपकी आभा है और जो आपकी ऑरा है वो प्रेम ले ही आती है। जो विक्रमादित्य इतने हाथ पांव कटने और परेशानी आने पर जीवन के रहस्य को समझकर शनि के साथ समझौता ना करके जीवन को शांति से जिए जा रहा, रो नहीं रहा, पिट नहीं रहा, उसकी आभा ही अलग है, उसका ज्ञान ही अलग है, क्योंकि बुरा समय तो काटना ही पड़ेगा, हम मजबूर हैं अच्छा समय भी काटने को। 10 साल अच्छा समय कटता है हमें पता ही नहीं होता, बुरे समय में 1 घंटे 1 दिन के लिए हम रोना शुरू करते हैं, काटते नहीं, अच्छे में रोए पिटे ऐसा नहीं, मस्त है, बुरे में भी मस्त होना है, वो कट जाएगा। 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष के बाद में धीरे धीरे उसने उससे गाना गाना सीख लिया और प्रेम किया। अब राजा को सारे रागों की जानकारी, कभी कैसे कभी कैसे वो शिक्षा दिए जाए, बताए जाए, खुद भी गाए और क्या राव में, वो कहती है अब मुझे प्रेम हो गया भाई, अब नहीं रुक सकती मैं। समय का चक्र बीता, 7.5 वर्ष ही पूरे हो गए और राजकुमारी ने तत्काल कह दिया कि भाई मैं तो इससे विवाह करूं। राजा माँ से बोला जाता है, पापा से तो बोला नहीं जाता, नेचुरल है। माता राजमाता को बता दिया उसने, तो उसने कहा तू कैसी बातें करती है, मैंने जैसे तैसे तेरे पिता से छुपा के रखा है और एक दरबारी में हिम्मत नहीं है कि बोल के सके कि इतने सब वर्ष से तो तेरे महल में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो बोला वो मरा,
बोले माता जी आपके अलावा बोल नहीं सकता, और मैं आज से व्रत रखती हूँ कि मैं शरीर त्याग दूंगी अगर मेरा इससे विवाह नहीं हुआ, मैं शरीर की भूखी नहीं हूँ, मुझे इससे प्रेम है, इसके ज्ञान और इस, पता नहीं क्यों प्रेम हो जाता है हमें किसी से, शरीर और सेक्स से परे हो जाती है बात। बोले मुझे इससे ही विवाह करना है, नहीं तो बेटी आपकी मरी। वो गई राजा चंद्रसेन के पास बताने, भाई ये हाल तुम्हारी पुत्री को प्रेम हो गया। बोले किससे हो गया, कहाँ का राजकुमार है, कहाँ का राजा है, कौन सा सम्राट है? बोले वो लूला लंगड़ा जिसके हाथ पांव कटवाए थे, वो उसी के महल में। बोले हाथ पांव कटवा दूंगा सालों को, कौन उठा के लाया मुझे नहीं बताया। तो बोले महाराज क्या बताएं, इस समस्या को छोड़ो, बेटी उससे विवाह के लिए तुली नहीं तो जान दे देगी। सोचता यार कमाल हो गया, ऐसा क्या चमत्कार है, ये आदमी बड़ा अजीब है, ना मरता है ना काम खराब होता है इसका, व्यापार बढ़ा दिया व्यापारी का, व्यापारी इसकी रिश्वत लेके बैठा है, साली बेटी मेरी पागल हो रही है। वो गया बेटी के पास,